हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे चैनल मिस्टर साहू एडिटिंग में स्वागत है। तो मेरे भाई आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताना आप कमेंट बॉक्स में आपको ये ऊपर बॉर्डर कैसी लग रही है। मुझे हर वीडियो में इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरे भाई अब वीडियो के टॉपिक पर आते हैं तो यार इस तरीके से आप ड्यूअल टोन इफेक्ट अपने फोटो में कैसे ला सकते हो। तो मेरे भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरा भाई वीडियो लास्ट तक वॉच करना तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। और मेरे भाई अभी तक वीडियो यार लाइक नहीं किया तो यार पहले से लाइक कर देना, आप बाद में लाइक करना भूल जाते हो। और मेरे भाई कोई नए भाई बंधु आया तो यार वो चैनल को लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब और उसके पास वाले बेल आइकन को दबा लेना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और हाँ भाई आपको कोई बातचीत करनी हो या कुछ सवाल जवाब करना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने लिंक दे रखा है। मेरा यूज़र नाम है मिस्टर साहू एडिटिंग, तो जाओ और फॉलो कर लेना। आपको कोई सवाल जवाब करना हो तो मुझे वहाँ पर पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सो गाइस, आपको ड्यूअल टोन इफेक्ट लाने के लिए अपने फोटो में तो मेरे भाई सबसे पहले आपको लाइट रूम ओपन कर लेना है। ओके, लाइट रूम ओपन करने के बाद आपको फोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं ये वाला फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ मेरा। तो ये वाला फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको जो फर्स्ट वाला टूल दिख रहा है ना आपको, तो थ्री डॉट के पास, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर लेना है और फिर जाना है ब्रश वाला आइकन पर। ओके, ये हो जाने के बाद आपको सिंपल सा आपको इस पर टैप कर लेना है ब्रश वाला आइकन पर। और फिर आपको यहाँ पर आपको इसे रेड रेड कलर दिख रहा है तो वहाँ पर आपको इसे चांस से आपको जूम करके यहाँ पर आपको इसे कलर कर लेना है अच्छी तरीके से। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। थोड़ा सा आपका शर्ट पर हो रहा है तो आपको इरेजर सिलेक्ट कर लेना है। फिर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से इरेजर आप यहाँ से आप कर सकते हो इरेज अच्छी तरीके से। फिर आपको ब्रश वाला आइकन पर फिर से जाना है और आपको ध्यान से आपको इसके पास से आपको इसे ब्रश कर लेना है। आपके चेहरे पर आपको ब्रश नहीं करना है ताकि यार आपको ड्यूअल टोन इफेक्ट आपके स्किन पर भी आ सकता है। रेड रेड तो आपको बाकी छोड़ देना है इतना था गैप, तो आपको एक साइड से आपको ब्रश कर लेना है। फिर जाना है आपको जो मिक्स टूल वाला आइकन दिख रहा है तो इस पर जाना है। फिर आपको थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है थर्ड वाला, तो आपको इस पर पीछे कर लेना है थोड़ा सा। ओके, देख सकते हैं आधा टोन आ गया है। फिर आपको इसे क्या कर लेना है, आपको इसे कर लेना है ओके। तो ओके हो जाने के बाद आपको इसे कर लेना है गैलरी में सेव, तो मैं इसे गैलरी में सेव कर लेता हूँ। ओके, तो ये सेव हो गया है। तो आपको फिर से जाना है बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको प्लस वाला आइकन पर जाके आपको ये वाला फ़ोटो फिर से सिलेक्ट कर लेना है। फिर से सिलेक्ट हो जाने के बाद ये आ गया है, तो आपको इस पर ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको फिर से उसी वाले आइकन पर जाना है, तो आपको फिर से आपको यहाँ पर टैप कर लेना है। फिर जाना है आपको प्लस वाला आइकन पर, फिर जाना है आपको ब्रश वाला आइकन पर। ओके, तो ये हो जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पर आपको इस तरीके से ब्रश कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको ऐसे कैसे आपको ब्रश कर लेना है, तो मैं ये फटाफट से कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर भी अच्छी तरीके से आपको इसे यहाँ पर ब्रश कर लेना है। पीछे का बैकग्राउंड पर ही होना चाहिए, मॉडल के ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो इफेक्ट वो आ जाएगा। तो आपको इसे ध्यान से ब्रश कर लेना है, तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। सो गाइस, मैंने कर लिया है। तो आपको फिर से आपको मिक्स टूल वाले ऑप्शन पर जाना है और तीसरे वाले ऑप्शन को आपको इसे इस तरीके से आगे कर लेना है। ओके, तो ये इतना कर लेना है आपको, आगे बढ़ा लेना है। तो ये देख लीजिए ड्यूअल टोन इफेक्ट आ चुका है। सो गाइस, मैंने बता दिया है आपको आप लाइट रूम में कैसे ड्यूअल टोन इफेक्ट ला सकते हो। तो ये हो गया आपके फोटो में ड्यूअल टोन इफेक्ट, इस तरीके से आप ला सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।